नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मंत्री दीपक बिरुवा ने उड़ीसा के बेहलदा में चलाया जनसंपर्क अभियान। झामुमो की सांसद प्रत्याशी श्रीमती अंजलि सोरेन के पक्ष में मांगा समर्थन। साथ में गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी भी रहे मौजूद। खबर विस्तार से, झामुमो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उड़ीसा मयूरभंज राय रंगपुर क्षेत्र के झामुमो सांसद प्रत्याशी श्रीमती अंजलि सोरेन एवं एमएलए प्रत्याशी श्री सोनाराम टूडू के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता से समर्थन मांगा। बेहलदा के बड़े डी में ग्रामीणों के साथ बैठक की। मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा एवं झामुमो कार्यकर्ता व समर्थकों ने झामुमो प्रत्याशी श्रीमती अंजलि सोरेन एवं एमएलए प्रत्याशी सोनाराम टूडू के पक्ष में तीर धनुष छाप में वोट करने की अपील की। इस मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र के भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार सहित कई अनियमितताएं हुई हैं। भाजपा झूठ की राजनीति करती है। जनता भाजपा के झूठे वादों से त्रस्त है। अब भाजपा वाले 400 पार का नारा लगाते हुए देश के संविधान बदलने एवं आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। इसके पूर्व स्थानीय ग्रामीणों ने आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मांदल नगाड़े की धुन पर नाचते गाते उनका स्वागत किया। मौके पर झामुमो नेता रामचंद्र बोदरा, सुरेश चंद्र मुर्मू, राजू गिरी, बुतरू मंडल समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल थे।